नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसीज रखी गई है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर परमंत पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूं, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको यहां पर लिंक प्रोवाइड कर दिया है, या फिर जो है आप अग्निवीर का नोटिफिकेशन भी यहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये आपको जो है सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, एंड इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको जो है लगभग पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में, तो जो टोटल वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं, ये इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट के लिए दोस्तों 2800 पदों पर इन वैकेंसीज को रखा गया है, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एंड इनके लिए जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं, 1 जुलाई से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए, तो आप जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में, तो आप यहां से वैकेंसीज का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। इंडियन नेवी की तरफ से इन रिक्रूटमेंट्स को यहां पर रखा गया है। साथ ही में दोस्तों, आपके जो है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत ये वैकेंसीज आने वाली है। 2800 टोटल यहां पर पद रखे गए हैं, 1 जुलाई से 22 जुलाई 2022 तक आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ में एरिया ऑफ सर्विस भी आपका जो है इंडियन नेवी रहेगा, एंड आपका जो जॉब टाइम रहेगा ये 4 ईयर का रहेगा, 17.5 से 23 साल आपकी एज लिमिट यहां पर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी indiannavy.nic.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इंडियन नेवी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चक्षु SRR पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक यहां पर रिलीज की गई है, जिनको जो है आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर या फिर ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं। आपके लिए जो है अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत जो नया पाठ्यक्रम है, उसके आधार पर जो है पूरी की पूरी बुक्स को जो है तैयार किया गया है। यहां पर आप जो है इन बुक्स को चेक कर सकते हैं, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इन बुक्स को ऑनलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। इस बुक को 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया गया है। साथ ही में इस बुक के अंदर आपको 2000 से अधिक जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि डिटेल के साथ में मिलेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस सेट पेपर आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। साथ ही में दोस्तों, 40 सॉल्व पेपर भी आपको इस बुक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस बुक्स को जो है किसी भी ऑफलाइन स्टोर से या फिर ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इनके ऑनलाइन स्टोर्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और इंडियन नेवी के लिए अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आप जो है इनका फ्रंट पेज चेक कर सकते हैं। आपको ये बुक्स अगर आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर से परचेज करते हैं, तो आपको सिर्फ यही बुक्स परचेज करनी है। आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इन बुक्स को जो है प्रिपेयर किया गया है, अच्छे टीचरों की तरफ से इन बुक को जो है प्रिपेयर किया गया है, तो आप इन बुक्स को एक बार जरूर परचेज करें। दोस्तों, अगर हम बात करें आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इंडियन नेवी की तरफ से जो वैकेंसीज रखी गई है, इनके लिए जो एग्जामिनेशन जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वो 25 जून को रिलीज किया गया था। आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, साथ ही में डिटेल नोटिफिकेशन आपको 9 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, मिड अक्टूबर में जो है आपका एग्जामिनेशन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही में दोस्तों, आपका जो मेडिकल्स एंड ज्वाइनिंग रहेगा, ये 21 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। आपके जो है 1 जुलाई से, मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन डेट जो आपकी रिलीज रहेगी ये 1 जुलाई से, एंड आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। 22 जुलाई तक आपके जो है लास्ट डेट रखी गई है। इसी के साथ में आपका जो है मिड अक्टूबर 2022 आपका एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट का डेट रहेगा। साथ ही में दोस्तों, आपका जो मेडिकल एंड ज्वाइनिंग रहेगा, ये 21 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। यहां पर आप जो है वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो ₹250 एप्लीकेशन फीस आप सभी कैंडिडेट को यहां पर जमा करवानी होगी। आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जो है किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। यहां पर आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तो मैं आपके लिए अलग से नई वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने मोबाइल
के माध्यम से घर बैठ करके भर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड इसी के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के बटन को जरूर दबा लेना। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो अगर आप यहाँ पर 12th पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी 12th को मैथ और फिजिक्स के साथ में जो है पास किया है या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से आपने अपनी 12th को कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर इजीली आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट में जो है आपकी मिनिमम एज यहाँ पर 17.5 साल होनी चाहिए, साथ ही में दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पर 23 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 1 नवंबर 1990 से 30 अप्रैल 2005 के बीच का अगर आपका DOB है तो आप यहाँ पर इजिली आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों मेटेरियल स्टेटस में ओनली अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, मेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब कि PET आपका जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, इसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। ये 5 स्टेज रहेंगे जिनके आधार पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। इसके बाद में आप जो है अपना एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हैं। इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे के साथ में मैथमेटिक्स एंड साइंस और जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपको 1 घंटे का टाइम यहां पर मिलने वाला है। ये सिलेबस आपको जो है आप अग्नि SSR के लिए देखने को मिलेगा, साथ में अग्निवीर अगर MR पद के लिए आप अप्लाई करते हैं तो जनरल अवेयरनेस एंड साइंस और मैथमेटिक्स से आपका जो है यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 मिनट का आपका टाइम रहेगा। फिजिकल अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन नेवी के फिजिकल टेस्ट के बारे में तो मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट और 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करनी होगी, फीमेल्स को 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ जो है यहां पर कंप्लीट करनी होगी। इसी के साथ में दोस्तों आपकी उठक बैठक रहेगी जो कि मेल कैंडिडेट को 20 लगानी होगी, फीमेल्स को 15 लगानी होगी। पुशअप जो है मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा ओनली जो कि 12 लगाने होंगे, एंड इसी के साथ में दोस्तों बैक नेक सेटअप्स जो है 10 लगाने होंगे फीमेल्स कैंडिडेट को। हाइट में आप यहां से चेक कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है एंड फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। साथ में विजुअल स्टैंडर्ड आपका जो है 6x6 होना चाहिए, एंड इसी के साथ में दोस्तों मेरिट लिस्ट आपको जो है इन मेडिकल टेस्ट के बाद में देखने को मिलेगी। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। पे स्केल जो है आपका अप्रोक्स यहां पर 4.6 लाख रहेगा जो कि फर्स्ट ईयर में रहेगा, इसके बाद में फोर्थ ईयर में आपको 6.92 लाख आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। सेवा निधि आपको यहां पर मिलने वाला है जो कि टैक्स फ्री रहेगा, 11.71 लाख का आपको जो है यहां पर सेवा निधि मिलने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस आपका जो है 48 लाख का रहेगा, एंड इसी के साथ में आपको डेथ कॉम्पेंसेशन जो है 1 करोड़ का मिलने वाला है, एंड डिसेबिलिटी पर आपको जो है 44, 25 और 15 लाख का मिलेगा जो कि डिसेबिलिटी पर मिलने वाला है 100%, 75% एंड 50% डिसेबिलिटी होने पर। एंड इसी के साथ में सैलरी की पूरी डिटेल जो है आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के बटन को जरूर दबा लेना ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड इसी के साथ में आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए चक्षु SRR पब्लिकेशन की इन बुक्स को जरूर परचेज कीजिएगा, बेहतरीन बुक आपके लिए जो है ये बनाई गई है, तो आप इन बुक को जो है डिटेल वाइज सॉल्यूशन के साथ में प्राप्त कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन स्टोर से या फिर ऑनलाइन स्टोर से। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।